किसानों को कभी सूखे से जूझना पड़ता है, कभी बाढ़ से, तो कभी अन्य जानवरों से। कुछ किसान तो डटे रहते हैं, लेकिन कुछ हिम्मत हार के आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी ही घटना 18 फरवरी को चित्रकूट जिले के गोपीपुर में देखने को मिला। यहाँ के वासुदेव की जब 10 बीघे की फसल अन्य जानवरों ने बर्बाद कर दी तो उन्होंने हिम्मत हार दी। घर खर्च और खेती के लिए लिया गया कर्ज के बारे में सोचकर उनके आगे कोई रास्ता नहीं मिला और उन्होंने ट्रेन से कट के आत्महत्या कर ली। ये घटना कैसे हुई है? ये घटना खाली खेती के टेंशन में उनकी घटी है। गाय, नील गाय, सब खेत उजाड़ गई और कुछ भी नहीं था, तो वही टेंशन लेके वो अपनी हत्या कर ली। ये आपको कब सूचना मिली, कौन लोग दिए हैं? हमको स्टेशन बाबू से सूचना मिली है, वो फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा घटना घट गई। हम लोग वो नहीं आए, जब गाय खेदने गए लौट के नहीं आए, तो हम उनको ढूंढ रहे थे। हमको जानकारी नहीं थी कि क्या हो गया। कितने दिन हो गए खेती खराब हुए? अरे डेली होती है यहाँ पास, काटते भी फिर जाए तो वो उसका पूरी फसल उतर गई, तो उसके पता नहीं क्या जिम्मेदारी आ गई अपना, बीमार रहा। तो क्या इस खेती बर्बाद होने की बातचीत घर में करी थी उन्होंने? हाँ, बर्बाद होने की घर में किया था, हम लोगों से बस आया था कि मेरी खेती तो नष्ट हो गई। तब कहे कि क्या करें, जब हम अपने नहीं बचा पा रहे तो आपकी कौन बचाए? तो जो खेती नष्ट कर रहे हैं जानवर, वो गांव के ही जानवर है? नहीं, जो वो पालतू है, यहाँ बाहरी जानवर ठेला में भर के वहाँ छोड़ देते हैं। तो गांव के लोगों ने कभी शिकायत की अन्य जानवरों को लेकर के? अरे बहुत शिकायत किया, बहुत घेरा बांधा, लेकिन वो पकड़ा ही नहीं देते ना, बेबस है मनुष्य के, बेबस है वो जानवर। क्या कारण था जो ट्रेन के नीचे गए? अब ये ईश्वर जाने जो कारण हो, हम तो मानिकपुर चले आए थे। जैसे कि पता चला है कि फसल खराब हो गई थी? हाँ, फसल तो खराब हो गई, पूरी फसल खा गए, न ओखा न मूंग, दोनों भाइन के एक दाना नहीं है। क्या बोए थे फसल में? गेहूँ रहा, सरसों रहा, सरसों थोड़ी थारा बचा है, गेहूँ सब खा रहा। कितने बीघा में? एक कर्जी दोनों भाई का मिलकर 10-10 बीघा हुई। हम लोग आए देखने कि हमारे पापा कहाँ हैं, तो कोई पता न चला। फिर हम लोग ढूंढने चले गए इधर उधर, तो फिर जाके दोपहर के बाद सूचना मिली। उनके पास कितना कर्जा हो गया था? अरे कर्जा तो 4-5 लाख से कम नहीं था, 5-6 लाख रुपए से कर्ज कम नहीं था उसके। इसी से वो अपनी जान हत्या कर लिया, कि कौन मेरा भरेगा, इसमें से होता तो देता कमा के। और किसी से कुछ लड़ाई झंझट तो नहीं रही? नहीं नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, घर में सब अच्छे से चलते थे। दो ही आदमी रहते थे, तीसरा कोई इनके पास था नहीं, यही दो अपना खेती से काम करके अपना पेट चलाते थे।